तो आखिर क्यों WWE ने रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच कंफर्म किया WWE डे वन पेपरव्यू के लिए। विंस मैकमैन के बाद WWE का अगला मालिक कौन होगा? एजे स्टाइल्स एंड ओमोस का बहुत जल्द ब्रेकअप होने वाला है। इसके अलावा गाइस इस वीडियो में हम जॉनी गर्गानो एंड काइल ओ'रीली के फाइनल गुड बाय के बारे में बात करेंगे। तो गाइस वीडियो में काफी अपडेट्स होंगी, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो गाइस सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं जॉनी गर्गानो एंड काइल ओ'रीली से। तो गाइस NXT की स्टार्टिंग में काइल ओ'रीली और वॉन वैगनर के बीच मैच देखने को मिलता है और इस मैच में गाइस वॉन वैगनर जीत हासिल करते हैं और यही माना जा रहा है कि काइल ओ'रीली का NXT करियर यानी कि WWE करियर का ये लास्ट मैच हो चुका है और इसके बाद काइल ओ'रीली अब आपको NXT में देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा गाइस मेन इवेंट में हमें देखने को मिलते हैं जॉनी गर्गानो जो कि अपना फाइनल गुड बाय कहने आए थे। उन्होंने NXT की काफ़ी तारीफ करी लेकिन इसी बीच उन पर आकर अटैक कर दिया ग्रेसन वॉलर ने और उसके बाद उन्हें पावर बॉम्ब भी लगाया सीधा टेबल के ऊपर और इस तरीके से NXT ऑफेयर चली जाती है। लेकिन गाइस ऑफेयर जाने के बाद जॉनी गर्गानो की तरफ से हमें काफ़ी इमोशनल मोमेंट देखने को मिलता है जहां पर उनकी वाइफ कैंडिस लरे, उनके फ्रेंड टोमासो चांपा भी आ जाते हैं और यहां पर हमें काइल ओ'रीली भी देखने को मिलते हैं। क्राउड भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और जॉनी गर्गानो काफ़ी रो रहे थे और इससे पता चलता है कि इन सुपरस्टार्स के लिए NXT ब्रांड कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर काइल ओ'रीली भी काफ़ी इमोशनल थे, हमें शॉन माइकल्स भी देखने को मिले और इस तरीके से गाइस हमें जॉनी गर्गानो एंड काइल ओ'रीली का पॉसिबली गुड बाय देखने को मिला आज NXT के शो में। लेकिन गाइस अब हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं जो कि जुड़ी है ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस से। तो आप सब जानते हैं कि WWE ने डे वन पेपरव्यू में इन दोनों सुपरस्टार का मैच कंफर्म कर दिया है जो पहले काफ़ी फैंस को शॉकिंग लगा क्योंकि रॉयल रंबल पेपरव्यू भी नेक्स्ट मंथ ही है। लेकिन गाइस रीजन रिवील हो चुका कि आखिर क्यों WWE ने इनका मैच कंफर्म किया डे वन पेपरव्यू के लिए और उसके पीछे का बड़ा रीजन है कि WWE डे वन पेपरव्यू को एक काफ़ी बड़ा पेपरव्यू बनाना चाहती है और आने वाले सालों में भी आपको ये पेपरव्यू जनवरी के फर्स्ट डे को ही देखने को मिलेगा और WWE इस पेपरव्यू को बड़ी फीलिंग देना चाहती है। इसलिए रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच इस पेपरव्यू के लिए कंफर्म किया गया है और आप सब जानते हैं WWE इंपॉर्टेंट पेपरव्यूज के अंदर ही ब्रॉक लेसनर को फीचर करती है और इससे आपको पता चल गया होगा कि आखिर WWE कितना बड़ा मानती है डे वन पेपरव्यू को और इसी वजह से ये मैच ऐड हुआ है डे वन पेपरव्यू के अंदर। अब गाइस हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये जुड़ी है एजे स्टाइल्स एंड ओमोस से। तो आप सब जानते हैं मंडे नाइट रॉ पर हमें टीज होते हुए नजर आया कैसे एजे स्टाइल्स एंड ओमोस का बहुत जल्द ब्रेकअप हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि ड्राफ्ट के दौरान ही विंस मैकमैन ने माइंड बना लिया था कि अब एजे स्टाइल्स एंड ओमोस का ब्रेकअप कर दिया जाए लेकिन उस समय WWE के प्लान चेंज हो गए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि WWE इसी पाथ पर जा रही है और बहुत जल्द आपको एजे स्टाइल्स एंड ओमोस का ब्रेकअप देखने को मिल सकता है। इसकी हिंट हमें कहीं ना कहीं सर्वाइवर सीरीज पे भी देखने को मिली थी और उसके बाद रॉक एपिसोड में भी देखने को मिला और अब ऐसा लग रहा है कि हमें पुराने वाले एजे स्टाइल्स देखने को मिलेंगे यानी कि एजे स्टाइल्स एक बार फिर से अपने सिंगल्स करियर की तरफ फोकस करने वाले हैं जो कि उनके फैंस के लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। अब हम गाइस बढ़ते अपनी लास्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी है WWE के मालिक से। तो आप सब जानते हैं कि करंटली WWE के मेन हेड है विंस मैकमैन जो कि हैं WWE के CEO, लेकिन उनके बाद नेक्स्ट कौन होने वाला है जो कि उनका चार्ज संभालेगा और जिस बंदे का मैं नाम लेने वाला हूँ वो आपको काफ़ी शॉकिंग लग सकता है। लेकिन गाइस रिसेंटली डेव मेल्ज़र ने बताया कि निक खान वो बंदे हैं जो कि विंस मैकमैन की जगह ले सकते हैं आने वाले फ्यूचर में और उसके पीछे का बड़ा रीज़न ये है कि पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा कि WWE काफ़ी सुपरस्टार्स को रिलीज़ कर रही है और उसके पीछे का बड़ा रीज़न बताया जाता है निक खान जो कि WWE को प्रॉफिट दिलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उन्हीं की वजह से मेन सुपरस्टार्स को रिलीज़ किया जाता है। लेकिन गाइस आप सोच रहे होंगे कि अगर निक खान कंपनी के मालिक बन गए तो ट्रिपल एच शेन मैकमैन स्टेफनी मैकमैन का क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी में शेयर्स होते हैं और ये बताया जा रहा है कि शेयर्स हो सकता है ट्रिपल एच शेन मैकमैन या फिर स्टेफनी मैकमैन के ज़्यादा हों लेकिन जो मेन लीड चार्ज होगा वो WWE पॉसिबली दे सकती है निक खान को क्योंकि निक खान एक बिजनेसमैन है और आप सब जानते हैं कि WWE बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचती है और इसलिए बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है अगर विंस मैकमैन WWE की पोजीशन से हटते हैं तो निक खान पॉसिबली उन्हें रिप्लेस करेंगे। अभी कुछ कन्फर्म नहीं है लेकिन ये जस्ट रूमर्स है जो कि सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपके हिसाब से कौन वो बंदा होना चाहिए जो कि विंस मैकमैन की आने वाले टाइम में जगह ले। और गाइस बस आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक किए बिना तो कहीं मत जाना और साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।